तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक चीज जो है छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। क्या है वो चीज, देख लीजिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत रॉय SDS। तो गाइस आज मैं आप लोगों को जो चीज दिखाने वाला हूँ आप लोग शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। ये है बजाज का एक मिनी मिक्सर। तो गाइस ये जो मिक्सर है इसका नाम है बजाज मिनी किन ग्राइंडर। और गाइस आपको मैं क्या बताऊँ, ये इतना कॉम्पैक्ट साइज में है कि आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब अपने किचन में आप इसे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसे पिकनिक या आप अगर बाहर घूमने जा रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो गाइस ये मिक्सर आपको अभी ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आपके आसपास में कोई रिटेलर है तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं कि ये मिक्सर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप गाइस देख सकते हैं ये जो बजाज का मिक्सर ग्राइंडर है ये 220 वाट का है और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। बॉक्स की ऊपर की तरफ आपको प्रोडक्ट की MRP, एक बारकोड और कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। गाइस बॉक्स की इस दो साइड में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको करते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं एक छोटा सा रिव्यू। गाइस इस मिक्सर की बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और इसमें 2 स्पीड आपको मिलेगा, 1 और 2। और इसके साथ आपको एक चटनी जार और एक ग्राइंडिंग जार मिलेगा। जार की ब्लेड कुछ इस तरह दिखती है। और गाइस ये है जार की पीछे वाला पोर्शन। गाइस मिक्सी की पीछे आपको एक ओवरलोडिंग बटन मिलेगा। तो चलिए गाइस मैं आपको एक जार मिक्सर में फिट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सर में 1, 2, 3 ऐसे नॉब दिया हुआ है। और जार में देखिए आप यहाँ पे अनलॉक और लॉक का बटन है। इस जार को कुछ इस तरह से मिक्सर में बिठाना है, बिठा के ऐसे घुमाने के बाद ये लॉक हो जाएगा। और अभी अनलॉक करने के लिए इसको ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। अभी ये अनलॉक हो गया है। तो गाइस चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैंने अभी जीरा लिया है और अभी मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है और कैसे इसको पीसता है। ये देखिए गाइस मैं आपको इसकी जार खोल के भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप जीरा अभी एकदम डस्ट हो चुका है। गाइस आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 14-15 सेकंड में ही पूरा जीरा को एकदम पाउडर में बदल दिया है। मैं इस जीरा पाउडर को एक कटोरी में बाहर निकाल के रखता हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये कितना बारीकी से अपने काम किया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।